जैसे कि दोस्तों लॉन्च होने से पहले ही लीक हो गई है तस्वीरें, ऐसी दिखती है नई मारुति स्विफ्ट। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की लोकप्रिय कार स्विफ्ट का जल्दी आपको नया अवतार देखने को मिलने वाला है। कंपनी स्विफ्ट को अपडेट करके नए फैसली वेरिएंट में भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है। लॉन्चिंग की बात करें तो दोस्तों जुलाई तक इस कार को फाइनली हम सभी के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। तो चलिए जानते। और साथ ही साथ नई तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि नई स्विफ्ट में कई क्रॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि नया फ्रंट बम्पर मिलेगा और साथ ही साथ दोस्तों इसको काफी चेंज कर दिया गया है और इसके अंदर आपको नए फ्रंट ग्रिल के डिजाइन में भी काफी अंतर देखने को मिलेगा, जो कि नए लुक के साथ आ गई है। इस कार में आपको 48V का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा। इस कार के कुछ वैसा ही होने की उम्मीद है जो मॉडल इस साल दिल्ली में हुए ऑटो एक्सपो में शोकेश किया गया था। ऑटो एक्सपो में दिखाई जाने वाला मॉडल दोस्तों एवरेज के मामले में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। इंटीरियर की बात करें तो दोस्तों नई स्विफ्ट के अंदर आपको सीटों के अंदर नया फैब्रिक और डैशबोर्ड पे नया लुक देखने को मिलेगा। नया इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके अलावा कार में क्रूज कंट्रोल जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है। ऑटो फोल्डिंग एडजस्टमेंट वाली सीटों में भी काफी अच्छा बदलाव किया है। इंजन की बात करें तो दोस्तों नई स्विफ्ट में आपको अपडेट 1.2 लीटर का डुअल जेट डुअल वीवीटी पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा। कंपनी ने इस इंजन का इस्तेमाल डिजायर के फैसले मॉडल में कर रहा है। अभी वाली स्विफ्ट के अंदर आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल होता है। मौजूदा मॉडल की तुलना में नए इंजन आपको ज्यादा पावर और ज्यादा माइलेज प्रदान कर पाने में क्षमता रखता है। कार में आपको दोस्तों 5 स्पीड मैनुअली और 5 स्पीड EMT ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिलेगा। किसी भी कार का माइलेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस कार में जिस इंजन का प्रयोग किया गया है दोस्तों वो अभी डिजायर के अंदर आपको देखने को मिलता है। मैनुअली गियर बॉक्स के अंदर ये आपको 24.26 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आराम से दी जाएगी। वहीं EMT ट्रांसमिशन के साथ ये इंजन आपको 27.12 KMPL प्रति लीटर का माइलेज प्रदान कर पाने में क्षमता रखता है। कुल मिलाकर नई स्विफ्ट भी डिजायर फैसलिफ्ट की बराबरी में आ गई है। कीमत और लॉन्चिंग की बात करी जाए तो भारतीय बाजार में मारुति स्विफ्ट फैसलिफ्ट को दो वेरिएंट पे हम सभी के लिए उतारा जाएगा, जिसमें दूसरा वेरिएंट दोस्तों स्पोर्ट्स वेरिएंट भी शामिल होगा। कीमत की बात करी जाए तो सूत्रों के मुताबिक स्टार्टिंग कीमत 4.70 लाख रुपीज से लगाई जा रही है। अगर टॉप वेरिएंट की बात करें तो 6.50 लाख रुपीज तक अंदाजा लगाया जा रहा है। जुलाई के महीने में दोस्तों इसको फाइनली हम सभी के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर आप इस कार का टीजर देखना चाहते हो तो आप इसकी वेबसाइट पे विजिट करके इसको देख सकते हैं और वहाँ पे अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों बिना लाइक करे बिल्कुल बच जाएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।